से नंबर सात में है, कह रहा है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एल, ठीक है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। काफी इम्पोर्टेंट मीडिया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में है आपको एम बराबर एन, बी में है एम ग्रेटर देन एन, सी में है एन ग्रेटर देन एम, डी में है नन ऑफ दिस। कौन होगा सही ऑप्शन? कह रहा है कि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वर्ग आव यू है, तो बोलो इनका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन क्या होगा, क्या होगा इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, सही ऑप्शन क्या होगा ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ गया, तभी होता है कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब उनका रो और कॉलम आपस में क्या हो, बराबर, यानी उनका ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा। एम बराबर क्या होगा एन, यानी जितना रो की संख्या होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम की संख्या होगा, तो रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें एम बराबर क्या होगा, एन होगा, यानी नंबर ऑफ रो बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम, जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे, तभी जो है वे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए एन बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कह रहा है कि ए बी होल ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए में है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी में है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, सी में क्या है ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज, डी में क्या है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। चलिए तो ए बी का होल ट्रांसपोज का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है, बी ट्रांसपोज और समझ गया ना, इनका सही ऑप्शन क्या होगा, देखो उल्टा देना, क्या करोगे उल्टा देगो, यहाँ पर उल्टा दोगे उड़ जाएगा, उसके बाद दस, ये दस काफी इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही, कह रहे की वन माइनस एक्स अठारह टू सिक्स इंटू है सिक्स टू अठारह सिक्स, देन एक्स बराबर वाट। देखो इसमें एक चीज छोड़ दिया लगता है, बराबर का चिन्ह छोड़ दिया है हिसाब इसमें नहीं है, बराबर का चिन्ह लगता था इसमें, हमको लग रहा है छोड़, निकालो एक्स का मान क्या होगा, कोना कोनी गुना करो छक्का ये दाहिना तरफ गुना करते हैं छो से एक में गुना करेंगे छो, ये यहाँ पर माइनस हो गया छो एक्स अठारह दूनी छत्तीस बराबर छा के छत्तीस, चलो ये हो ही गया, ये जीरो हो गया है, अब देखो छो में से छत्तीस गया क्या होगा, छो एक्स माइनस तीस जीरो, आप देखो माइनस छो एक्स बराबर क्या होगा तीस, प्लस तीस हो गया ना जी, छो पंच एक्स का मान क्या निकल के आया माइनस पांच, आंसर किस ऑप्शन में है, सी में, ऑप्शन सी इनका सही आंसर ऑप्शन होगा, हो गया जी सर।
देखो ग्यारह में दिया है ओमेगा क्यू और माइनस वन बराबर क्या होता है जीरो, ये फॉर्मूला ही होता है। ओमेगा क्यू का मान कितना होता है एक होता है, ओमेगा क्यू का मान कितना होता है एक होता है, इसलिए ओमेगा क्यू माइनस वन बराबर क्या होगा जीरो होगा। तो आपको फाइंड करना है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, फिर क्या है ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा है जी। इनका मान फाइंड करना है, इनका क्या करना है मान फाइंड करना है। क्या करोगे सोल्यूशन देखिए, यूजिंग आर वन टेंस टू क्या होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो गया जी। जोड़ दो सबको, वन प्लस ओमेगा प्लस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा प्लस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या होगा वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर ये वन वन ओमेगा हो गया ना। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो। देखो ऊपर का सब मान जीरो है, इसलिए ये इसका मान क्या होगा जीरो, जिस ऑप्शन में किस ऑप्शन में जीरो है ये है तो ऑप्शन ये सही है। अब यहाँ पर देखो दो में है ये बराबर वन टू 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 वन टू 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 वन टू टू वन वन जांच करेगी ये कड़ा है ए स्क्वायर माइनस फोर ए फोर ए माइनस फाइव ए बराबर जीरो, समझ गया ना। यह क्वेश्चन है सॉल्यूशन, दो मार्क में पूछे जाएंगे। ए स्क्वायर है ना जी, क्या है ए स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर माइनस फोर ए फाइव आई माइनस फाइव आई। देखो ए स्क्वायर मतलब ए कितना बार गुना होगा, दो बार, वन टू 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 वन टू 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 वन गुना कीजिए, वन को वन से गुना कीजिए क्या होगा वन, टू को टू से गुना कीजिए क्या हो गया फोर, फिर टू को टू से गुना कीजिए क्या हो गया फोर, फिर वन को किससे गुना करेंगे टू से, दो का फिर दो को किससे गुना करेंगे दो से, फिर देखिए वन को किससे गुना करेंगे दो से, क्या होगा दो, फिर दो को किससे गुना करेंगे दो दूनी चार, फिर दो से एक से करेंगे दो को एक दो, से दो हो गया, फिर दो को इस एक से गुना करो दो, फिर एक को दो से गुना करो फिर टू को टू से गुना करो फिर दो को क्या करोगे दो से गुना दो दूनी चार, फिर एक को क्या करोगे एक से गुना क्या होगा एक, दो को दो से चार, फिर क्या करोगे दो को इस दो के साथ गुना करो चार, एक को दो के साथ गुणा करो फिर दो को एक के साथ गुणा करो दो के साथ गुणा करो चार,
एक को दो के साथ गुना करो दो अब दो को दो के साथ गुना करो फिर दो को एक के साथ गुना करो एक को दो के साथ गुना करो फिर दो को दो के साथ गुना करो फिर इसको इसके साथ गुना करो हो गया। अब देखो एक से जो गुना किए हैं इधर क्या चीज एक से तो वहाँ एक ही ना होगा टू फोर देखो दो के साथ गुना के चार हो गया फिर दो को दो के साथ गुना के चार हो गया एक को हम एक के साथ गुना करेंगे। अब देखो चार को इसके साथ गुना करो क्या होगा चार चार दूनी आठ चार दूनी आठ फिर इसमें गुना करो आठ चार आठ उसके बाद यहाँ पर आठ हो गया आठ आठ चार देखो ये तो अलग वाला चीज न है जी माइनस है ना माइनस पांच से इसमें गुना कर दो पांच जीरो 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 पांच जीरो 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 पांच जोड़ो चार चार आठ है नौ चार दो छह दो आठ चार दो छह दो आठ दो दो चार चार कितना हो गया आठ चार चार आठ है नौ चार दो छह दो आठ चार दो छह दो आठ चार दो छह यहाँ पर भी क्या हो गया आठ ये यहाँ पर क्या हो गया नौ बड़ा सेटिंग से मन आया है जी नो एकदम विषय में रेस्ट सब संख्या फिर देखो इनका क्रिया हो चुका है चार आठ आठ चार आठ चार आठ 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 चार बड़ा सेटिंग आया है माइनस देखो सेम है तीन फाइव फाइव जीरो 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 फाइव देखो इंसाफ तो मन खुश कर दिया इतना सेटिंग से मन है इनका चलो नौ माइनस क्या होगा चार माइनस पांच नौ माइनस चार माइनस पांच आठ माइनस जीरो आठ माइनस जीरो फिर देखो आठ माइनस जीरो जीरो हो गया फिर आठ माइनस जीरो फिर यहाँ पर नौ माइनस चार माइनस पांच फिर आठ माइनस जीरो फिर क्या होगा आठ माइनस जीरो नौ माइनस आठ आठ माइनस आठ माइनस जीरो नौ माइनस चार माइनस पांच देखो जीरो 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 हो गया प्रूव दो मार्क में रहेगा गैस पेपर में देखो ना ये कितना लंबा बनाया है समझ ही नहीं पाएगा एक पन्ना का है तार लिया हो सी वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कीजिए वन प्लस क्या होगा ए वन ए टू
थ्री वन प्लस ए वन अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा वन प्लस ए वन प्लस ए टू कॉमन आएगा इसमें से क्या कॉमन आएगा वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ये कॉमन आएगा ये वन 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 हो गया ए टू वन प्लस ए टू ए टू देखो यूजिंग क्या करना है आर वन में से आर टू घटाओ आर टू में से आर थ्री घटा दो यहाँ पर क्या होगा वन प्लस ए वन ए टू ए थ्री जीरो 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 अब इसमें देखो जीरो होगा और ए टू में से ये घटेगा तो ए टू खत्म हो गया बचेगा यहाँ पर क्या माइनस वन यहाँ पर क्या बचेगा जीरो फिर देखो यहाँ पर क्या बचेगा जीरो वन उसके बाद क्या बचेगा माइनस वन वन ए टू वन प्लस ए थ्री किस तरफ लोगे तो फायदा होगा सी वन ए के अनुदिश ले लेते हैं इधर ये खत्म ये वन लेंगे तो ये खत्म माइनस वन को ना वन क्या होगा वन माइनस वन वन